और खबर है सक्कर से, जहां सिविल अस्पताल की नर्सों ने माहे सयाम में डबल ड्यूटी लगाने पर काम छोड़ दिया और हड़ताल कर रखी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमदाद बोजदार से। इमदाद बोजदार, नर्सों ने हड़ताल कर रखी है, मरीजों को किन मुश्किलों का सामना है? जी कुरतुलन, ये सिविल अस्पताल सक्कर में आज सुबह से ही नर्सों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करके काम छोड़ हड़ताल का ये ऐलान किया गया है। इस हवाले से यहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों की तादाद में जो मरीज इलाज के लिए आते हैं वो शदीद परेशानी का सामना करने पर मजबूर है। इस हवाले से यहाँ पर जो एहतजाज करने वाली नर्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि रमज़ान शरीफ के दौरान यहाँ पर नर्सेज से ज़बरदस्ती डबल ड्यूटी लेने की कोशिश की जा रही है। तहम इस हवाले से हमने एतराज़ात किए हैं, उस एतराज़ात को अहमियत नहीं दी गई जिसकी वजह से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया है। हमें यह एहसास है कि मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है, तहम हमें भी काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। इस हवाले से इंतजामिया को नोटिस लेना होगा, इंतजामिया इस हवाले से मामला जो है उनको देखे और नर्सेज को रिलीफ फ्राहम किया जाए। अगर उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो यह एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। यह रीजनल हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से मजबूत। शुक्रिया इमदाद बोजदार, आपने अपडेट किया।